मोहन, राधा अगर इतना बोल ही रही है तो तुम आ जाओ ना ऑफिस। शायद तब जाके इसके मन को चैन मिलेगा। इतने दिनों से बोल रही है बेचारी, और अब देखो ना, गुनगुन ने तो स्पीच भी लिख दी तुम पर। अब तो मान जाओ। मोहन जी, आगे बढ़ने का और अपने अतीत से पीछा छुड़ाने का ना सिर्फ ये एक तरीका है, आपको दफ्तर जाना शुरू करना होगा। अच्छा, ये मैटर है। इन दोनों की मिली भगत है। हाय हाय, नहीं तो तुमने ये सब कुछ मुझे शर्मिंदा करने के लिए किया है ना राधा? राधा मना कर दो, वरना मोहन तुमसे बहुत नाराज हो जाएगा। मना कर दो इसे। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे मोहन जी, ये सब हम ही ने किया है। राधा, पर इसलिए नहीं कि हम आपको शर्मिंदा करवा सके, बल्कि इसलिए ताकि आप दफ्तर जाए। गुनगुन को भी अच्छा लगेगा ना अगर आप दफ्तर जाएंगे तो। हम सबको अच्छा लगेगा मोहन। What the hell यार राधा, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए तुमने गुनगुन का इस्तेमाल किया। तुम्हें पता भी है स्कूल में क्या हुआ है, मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। अगर मैं इसे कुछ मजाक में ले रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगा है। गुनगुन का पूरा स्कूल मुझे निकम्मा आलसी समझ रहा है। क्या इमेज बना दी तुमने मेरी, तुम बताओ ना मुझे। पता है बच्चों की नजरों में ना उनका बाप जो होता है ना, उनका हीरो होता है। लेकिन तुमने गुनगुन की नजरों में मुझे कामचोर, मुझे डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।